अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और आज आप सोच भी रहे होंगे कि यार अली कहाँ से आ गया। अली आया है इसलिए आज अली व्लॉग स्टार्ट कर रहा है क्योंकि हीना की तबीयत रात से नहीं ठीक और वो कहती कि मेरे में हिम्मत नहीं है व्लॉग बनाने की। तो मैंने कहा यार मैं बनाता हूँ ना, मैं किस लिए हूँ। और आज मम्मा, मैंने कहा आज मैं मम्मा की सारी हेल्प करूँगा। मम्मा फिर आपको पता है हीना सारा दिन मम्मा के काम शाम करती रहती है, मम्मा में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि खुद कर सकें। तो आज हीना की भी तबीयत नहीं सही तो मैंने कहा कि चलो व्लॉग का व्लॉग और मम्मा के काम हो जाएंगे। और आप सब दुआ कीजिएगा यार हीना के लिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ठीक हो गई थी, बेहतर हो गई थी, लेकिन फिर से रात से ना थोड़ी सी फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो अब वो रेस्ट कर रही है, तो हम अपना आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो चलें गाइस देखते हैं मम्मा जानी क्या कर रही हैं। जी मामा क्या कर रही हैं आप? उठ जाओ, आज मैं करा कपड़े इस्त्री। आज मम्मा जी रेस्ट है, आज थोड़ी धी दी नहीं तबीयत सही थी, आज थोड़ा पुत्र है। पीछे हो जाओ, छोड़ दियो, आखिरी है। और कोई काम? काम तुसी नहीं आज कोई भी करना, आज मेनू तुसी दसना जेड़ा भी काम होएगा ठीक है। अभी 3 बजे लगी हो ना, तो नजर नहीं आ रहा। मैनू तो उठा देनी, मैं तो यार सुता हूं। सीमा जी मैं आगे बड़े परेशान हूं, मन काम ना करो। अच्छा तुसी रेस्ट करो यार, फिर और तबीयत तारी खराब हो जाएगी। ओही है के अगे होई है। चलो तुसी मैनू दसो के है कोई और काम? कपड़े टांगने अंदर लगा लिए। ये कपड़े टांगने हैं? ओके चलो जी गाइस, हम लोग कपड़े टांगने जा रहे हैं। किधर अलमारी चम्मा जी? यार वैसे मुश्किल काम है, दिल नहीं मेरा गाड़ा पर करना पड़ेगा यार। मम्मा फिर अकेली लगी रहेंगी, मेरी प्यारी मम्मा। हाँ जी अम्मा, क्या चीज? ओके शलवार रह गई थी पापा जी की, कोई बात नहीं यार, धोती रख देते साथ। वैसे पापा मेरे धोती भी पहनते हैं, धोती का वो पता, धोती वो पहनते हैं गर्मियों में, सर्दियों में। चलिए बार बार ये देखो, ये मैंने खोला, ये शॉपर बार बार बाहर आ जाता है, इसका करते हैं हम इलाज। Later. यार मैंने तो किया था मजाक मम्मा जी से, और मम्मा जी अब मुझे काम पे काम। यार माँ जी मैं तो तुम तो मैं मजाक किया सी, क्या सारे काम मैं करांगा हूँ, तुम मैं काम पे काम कही जा रहे हो। काम सब्जी ना बता, तू ही ले आनी है सब्जी, उस तो बाद की, उस तो बाद फिर देखांगे की करना, ये तो टाइम काफी पे आया। मतलब कि तुसी सोचिया होया मुझे तो पता ही नहीं यार लेडीज क्या क्या काम करती हैं, बस हमें बना बनाया मिल जाता है और आज थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या काम होते हैं घरों के। जी तो गाइस हम लोग ये सब्जी वगैरह ले आए हुए हैं और अब ये घर के पास पहुंच ही गए हैं। बड़ी गर्मी है यार, गर्मियां आ गई हैं, सर्दियां गुजर गई हैं। जब सर्दियां थी तब हम लोग कहते थे कि यार जल्दी जल्दी गर्मियां आए, अब गर्मी आ गई है, अब मैं कहता हूँ सर्दी आए। चलो अब अगला काम, मैं रेडी हूँ, थका नहीं हूँ, मैं नहीं थकता जल्दी। अली ब्रेव बॉय मैन, ओ जी माँ जी सब्जी आपकी आ गई है। चलो आओ मैं तुम दोबारा। जी तो गाइस आज मेरी मॉम कर रही है व्लॉगिंग, चलें शुरू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सारे बहन भाई बाल बच्चे सब ठीक ठाक हैं? मैं आज थोड़ी परेशान हाँ, मेरी बच्ची की तबीयत नहीं ठीक ही ना, वो भी नहीं आ रही। अली कर रहा है, अली ने मैं कहा कि अज का दिन रेस्ट कर लो बंद कर दो, अली कहना नहीं मम्मा मैं करांगा,
ब्लॉगिंग मस्ट गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम शाम ही करवाऊंगा मैं, चलो बेटे तेरी मेहरबानी। एक यार लोगों का दिल लगा रहता है, जो लोग भाई बैठे हैं मैं हमारी वीडियोस देखते हैं उनका जरा टाइम अच्छा स्पेंड होता है। ना नहीं आज कर रही हो, कहती मेरे चिम्मत नहीं मम्मा, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं कुछ नहीं आज करना। मैं चलो बेटे तू आराम कर, डॉक्टर ने दवाइयां शवाइयां दीतियां, दवाई खा के लेटी है। चलें बाकी आप भी अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखा करें, और मम्मा जी तुसी ना परेशान हो, ठीक हो जाएगी। A few moments later. लो जी गाइस, अभी मैं लेटा था, मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लूं, आराम कर लूं, पर मम्मा जी ने एक न्यू काम मुझे कह दिया जो मैंने आज तक किया तो नहीं है, पर ट्राई जरूर करूंगा और करूंगा भी। हाँ जी माँ जी, सब्जी कटनी है, सब्जी काट कर के मेरी है। आपको मेरे पे इतना यकीन है कि मैं सब्जी काट लूंगा? काट लेंगे, सब्जी कटने ते कड़ा मंत्र पढ़ना, सब्जी कटनी है, जैसी मर्जी काट दूं। देखा नहीं कभी सब्जी काट दे? देखा तो है। हां ते फिर ओही काटी ही कटी दी, कटेगा मैं दसांगी किवें कटनी है। ओके जी डन हो गया। टेबल ते टोकरियां रख, नाले सब्जी रख सारी, ठीक है। और कुछ? मैं आ रही हां, चल। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ? ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਫਿਰ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਕਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਹੀਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਕਸ਼ੇਕ ਬਣਾਵਾਂ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਭੈਣ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ। ਗਾਇਜ਼ ਮਿਲਕਸ਼ੇਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਛੋਕਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ आपको भी सिखाता हूँ और खुद भी सीखता हूँ। 2000 years later. चलो जी हम लोग पहुंच चुके हैं किचन में, अब इधर से हम लेते हैं एक ट्रे। कभी यार मुझे पता भी नहीं है क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, पर ले लेते हैं जो जो भी आता है हाथ में। एक टोकरी आ गई और छुरी आ गई और ये भी पकड़ लेते हैं। बस तो कुछ तो मुझे बताओ क्या क्या चाहिए, बकाया मम्मा जी से पूछते हैं। हाँ जी माँ जी ऐसा ही है, किधर वो इधर बैठ के मैं काटता हूँ। लोग ये मटर शटर काटने वो निकालने लगे हैं, ये कहाँ से कटते हैं? हाँ एक टोकरी इधर रख लो। मम्मा जी ऐसे ही निकालते हैं ना? हाँ खोल खोल के दाने करके दे, ये तो मूसा भी काट लेता है, ये भी इधर को निकाल दे। नहीं मतलब पूछ रही है ना कितने, मैं कितने आ देखना, मैं इधरों अंज खोलन दे आवा, इधरों ना खोलना है। हाँ। फिर गलती हुई थे, गलती नहीं ना, शलजम काट बेचो, पहले शलजम काट, पहले शलजम काटो, इना का छिलका उतार। अच्छा आज से छुरी ना बजा रही। ओ नहीं इतना मैं ट्रेन हूँ मम्मा जी, टेंशन ना लो, मैं तुम जा कर रहा, तुम जाती है काट के। चिप्से कौन बना बना के खिलाता था बताओ जरा? हाँ जी मैं आलू चिलने हो, ये ना चिलना गोंगलू, हमारी मम्मा भी गोंगलू है, गोंगलू गोलू मोलू है, गोलू मोलू ही ना। आज रेस्ट ही उन्हें सारा दिन करना है, उन सांस का मसला जब बनिया तेन पता भी है। चंगा भला चिप्स दे लंबे पीस करना, गोल कर दे छोटे छोटे, इंज करके छोटे करने। ये देखें गाइस, ये वड्डे ने, दो ये चार पीस करने। ओ नहीं नहीं सही है, ਇਹ ਕੋਲ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਕਰਨਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਸੇ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੋਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਕੋ ਗਾਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਕੈਸੇ ਕਾਟਤੇ ਹੈ?
जिसको नहीं आती वो आके मेरे से क्लासेस ले सकता है, मैं सिखा दूंगा। ये मम्मा को भी मैंने क्लासेस दी हुई है। तो जी फाइनली हम लोग सब्जी काट चुके हैं और अब है हमारा रेस्ट टाइम है। मामा अब रेस्ट में कर सकता हूँ? अच्छा बस घंटा रेस्ट? आज मतलब कि सारा दिन मेनू सी काम कराई जाना है। चलो कोई गल नहीं, आज आज का दिन आपका दिन, जो कहें आप। आज अब घंटा अब हम रेस्ट करें, घंटे बाद फिर देखते हैं क्या नया काम है। एक तो मेरे जेन में है अभी भी चल रहा है जो हीना के लिए मिल्क शेक बनाना है, उसके अलावा आप देखते हैं क्या क्या करना पड़ता है। यार वैसे मैं हम ही पढ़ के गलती तो नहीं करती, रेस्ट टाइम भी उन्हें पूरा नहीं होया, माँ जी ने कहा रेस्ट टाइम थोड़ा खत्म हो गया तो अपनी भैन वास्ते आके मिल्क शेक बना। मैं क्या जो हुक्म सरकार, अभी आए हम, अब माँ जी को तो नहीं टाल सकते, अब देखते हैं और इसके अलावा क्या क्या काम करती हैं जी। गाइस तो हम लोग किचन में पहुंच चुके हैं और मैंने अभी देखा है ये एप्पल मैंने काटा, वो कहती है कि जी मैंने खाना ही पीना ही एप्पल वाला मिल्क शेक है। मैंने कहा यार बनाना का पी लो, स्ट्रॉबेरी का पी लो, छीलना नहीं पड़ेगा। कहती नहीं मैडम की जिद थी कि मैंने पीना ही एप्पल वाला है। तो मम्मा भी कहती पुत्र बना दे, मेरी धी जो भी कह रही। मैं कहा मोम तुहाडा हुक्म सर आंखों पर। तो मैंने अभी देखा है भाई एप्पल शेप्पल काट के कि ये जग भी धोने वाला पड़ा हुआ है और ये भी अब मुझे ही धोना पड़ेगा। यार की हो रहा यार आज मिलना है, ऐसा सोचूंगा मैं किसी के घर काम ना कर ला, कोई 40-50 हज़ार रुपये मैं तनख्वाह मिल जाएगी घर के काम करने दे। चलो कोई नहीं धोते हैं तो मिल्कशेक का बनाते हैं। चले जी गाइस ये हमारा जग शक वॉश हो गया है, अब हम क्या करेंगे, पहला काम दूध डालेंगे। इसका यार वो कैप नहीं मिल रहा है तो मैंने कहा कोई बात नहीं देसी जुगाड़ हम लगा लेंगे, लड़कों के पास बड़ी तकनीकें होती हैं। आपका भाई पहले ना मिल्क शेक का भी काम करता था, शॉप एक बनाई हुई थी जूस कॉर्नर, तो इस वजह से बहुत अच्छा मुझे आता है मिल्क शेक बनाना। आपके भाई ने सारे ही काम किए हैं, कोई भी नहीं। तो जी हमें ये कैप भी मिल चुका है इसका, अब देसी जुगाड़ नहीं लगा। ले जी हमारा मिल्क शेक रेडी हो चुका है, अब हम लोग डालें इसको। यार मैं नहीं पीता यार, उसकी तबीयत नहीं सही, चलो बीमार का ज़रा लिहाज कर लेते हैं। और वैसे मेरा रोज़ा है, मैं शुगर लगा हुआ था आप लोगों से। का एरिया चेक किया, थोड़ा सा ही कम होगा। चलें जी उसको हम मिल्क शेक देते हैं, देन फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले काम के साथ। स्यापा पै गया ताड़े प्राणू। चलो जी गाइस तो इधर ही हम व्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि हीना को मैं लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास चेकअप करवाने। मिल्क शेक उसने बड़े मज़े से पिया भाई, कहती बड़ा टेस्टी बनाया। तो आप सब खुश रहें और हमें दुआओं में याद रखें, हमारे लिए भी यार दुआ करना, अल्लाह पाक बेहतर करे, मेरी मम्मा की तबीयत सही करे, मम्मा की भी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई हुई है और हीना की भी। हाँ जी खड़ी है कपड़े। अच्छा चलें जी गाइस फिर ओके अल्लाह हाफिज़।